क्या फायदा, पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट कर लिया, तुम्हें क्या मिल गया? उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से नजीब की माँ प्रोटेस्ट कर रही है, पुलिस उन्हें घसीट रहा है, फिर भी वो प्रोटेस्ट कर रही है, उनसे पूछो प्रोटेस्ट करके क्या फायदा हुआ, वो बताएं मैं तुम्हें क्या फायदा हुआ। और क्या फायदा मैं आपको बताता हूँ, प्रोटेस्ट का क्या फायदा है। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले गुजरात के किसी स्कूल में, स्कूल के क्वेश्चन पेपर में, छठी क्लास के क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा गया, गांधी जी ने आत्महत्या कैसे किया था, गांधी जी ने आत्महत्या कैसे किया था। अगर आज हम प्रोटेस्ट करना छोड़ दें, अगर आज हम प्रदर्शन करना छोड़ दें, तो ये मीडिया इस तरह काम करेगी कि आने वाले 50 साल के बाद इतिहास की किताब में ये पढ़ेंगे कि गांधी जी ने आत्महत्या किया था। उसी तरह 50 साल के बाद ये पढ़ेंगे कि नजीब ने भी आत्महत्या किया था, गौरी लंकेश ने भी आत्महत्या किया था, तबरेज अंसारी ने भी आत्महत्या किया था, पहलू खान ने भी आत्महत्या किया था। और इन सबको जिनको बीजेपी वाले किसी भी वाले मरवा देंगे, वो ये कहेंगे कि वो आत्महत्या कर लिए थे। और इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि हमें प्रदर्शन करना जरूरी है, ताकि हम बताएं कि आज इंसानियत जिंदा है। अभी देखें आप कि दो दिन पहले नरेंद्र मोदी की भतीजी का बैग चोरी हो गया। बताएं आपको, मैं चाहता हूँ जोर से हंसे इस बात पे, आप आवाज आनी चाहिए हंसने की आवाज नहीं, हाँ हाँ हाँ, जोर से। नरेंद्र मोदी की भतीजी का बैग चोरी हो गया, फिर क्या होता है बताएं, कुछ घंटों में पूरी दिल्ली पुलिस लग जाती है और कुछ घंटों में चोरों को पकड़ लेती है। यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, डिक्टेटर इस देश का, मैं कहता हूँ खुलकर राजा इस देश का, नरेंद्र मोदी की भतीजी का बैग चोरी होता है तो कुछ घंटों में पकड़े जाते हैं वो लोग। और नजीब जो आम इंसान है, आम माँ का आम बेटा अगर गायब होता है, 3 साल के बाद केस को क्लोज कर देते हैं, बल्कि आप कल्प्रिट्स को पकड़ने के बजाय नजीब की अम्मी को टॉर्चर करते हैं और जो लोग इस संघर्ष में जुड़े हैं उनको टॉर्चर करते हैं। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। बहुत कम है, बातें बहुत सारी, हम सब के दिल में जज्बा है, हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे आकर नजीब की अम्मी के लिए, नजीब के लिए, पहलू खान के लिए आवाज उठाए। 2016 में क्लास 12वीं में था, मैं छोटा सा तब मैं था, अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, तब मैं नजीब के बारे में सुनकर बहुत बहल गया था। एक एक करके लिस्ट में नाम ऐड हो जा रहा है, नजीब, पहलू खान, गौरी लंकेश, तबरेज अंसारी। अगले साल फिर प्रोटेस्ट होगा शायद, अल्लाह ना करे प्रोटेस्ट हो, इंसाफ मिल जाए हमें, मगर फिर प्रोटेस्ट होता है शायद, तो 3-4-5 और चेयर यहाँ ऐड हो जाएंगे। इस तरह चेयर ऐड होते जाएंगे, लोग पढ़ते जाएंगे, इसको हमें रोकना है। और रुकेगा कैसे कि जब हम इन मुट्ठी भर लोग नहीं, बल्कि नजीब के लिए प्रोटेस्ट, तो आज यहाँ से लेकर नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के घर तक लाइन लग जानी चाहिए थी। पैसा नहीं है, प्लेटो ने कहा वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिलोसोफर है, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सबसे बड़ा फिलोसोफर प्लेटो, जिसको मैं मानता हूँ। प्लेटो ने कहा साइलेंस इज कंसेंट, मैं रिपीट करूंगा, साइलेंस इज कंसेंट। आज जो लोग चुप बैठे अपने घर में करके, वो नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, इम्प्लिसिटली वो साथ दे रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, बहुत ही छोटी सी बात कह के, किसी ने बहुत खूब कहा कि जय श्री राम बोलने वाले ने हे राम बोलने वाले को मार दिया, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मार दिया। ये लड़ाई हिंदुओं से मौलिक गुप्ता की है, ये लड़ाई इंसाफ और चुने इंसाफ के खिलाफ उनकी है। आप सभी का धन्यवाद कि नजीब की माँ के भाव से पहुंचने आए हैं, इनका साथ दिए है। आज नजीब है तो वो आप भी हो सकते हैं, अगर आपकी माँ यहाँ भर्ती होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।